Assalamu alaikum. This is lecture 40 of Gender Issues in Psychology. Today we'll start talking about a topic which is relevant to all of us. And probably we know somebody and probably we are somebody who has this problem that we'll be discussing today. Today we will be talking about obesity and eating disorders. But before starting our discussion on that topic, let's have a recap of our last lecture. In the last lecture, we talked about problems associated with the reproductive health of females. पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि females का जो है उनकी physiology और उनकी anatomy जो है खासी complex है, उसके functions खासे complex हैं, क्योंकि उनका reproductive system जो है खासा complex है. Complex से मुराद ये नहीं कि complicated है, लेकिन उसमें एक variety of functions जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरह की चेंजेस उनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में आ रही होती हैं. उन चेंजेस की वजह से उनके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनमें से कुछ चीज़ें परमानेंट इफ़ेक्ट्स होती हैं और कुछ जो हैं वो टेम्प्रेरी. और यही वजह है कि औरतें जो हैं ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाती हैं बनस्बत मर्दों के, एंड दे ऑल्सो कंप्लेन अबाउट मोर सिम्टम्स एंड दे आर capable of noticing even the slightest changes in their health condition. हमने शुरू के लेक्चर्स में एक दफ़ा ये बात उस वक्त डिस्कस भी की थी. एक वजह जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि औरतें ज़्यादा जल्दी सिम्टम्स को देख लेती हैं और समझ लेती हैं, प्रॉब्ली ये भी है कि वो छोटे बच्चों को पालती हैं, पैदाइश के वक्त से लेकर अगले कई बरसों तक वो कॉन्स्टेंटली बच्चे की निगहदाश्त कर रही होती हैं, उसकी एक एक छोटी छोटी डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में, चेंज में उनको इंटरेस्ट होता है और इस वजह से वो शायद ज़्यादा सेंसिटिव हो गई होती हैं सिम्टम्स को नोटिस करने में. एंड बट एज वी सेड इन द लास्ट लेक्चर, अनदर रीज़न फॉर अ प्रोबेबल रीज़न फॉर वुमेन्स मोर विजिट्स, अ हायर डिग्री ऑफ विजिट्स टू द doctors and physicians and surgeons as compared to the visits of men is their complex reproductive system. In the last lecture we talked about three main problems associated with female reproductive health. We talked about dysmenorrhea, premenstrual syndrome and menopause. Today we'll talk about a new topic. A topic which is probably not a disease, it's a condition. Like when we were talking about cancer or coronary heart disease, we said that these are diseases or ailments. But our topic for today is probably not a disease. It is a health condition. It is a matter of concern for the health professionals, the medical scientists, the health scientists, even the psychologists, a matter of concern for even the nutritionists, anybody who is interested in the well-being, physical, mental and social well-being of a human being is thinking about these problems and is conducting some sort of research about the topic of discussion today. Our topic today is obesity and eating disorders. Obesity एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपने आजकल शायद बहुत दफ़ा सुना हो या शायद इस्तेमाल भी किया हो. अगर आपने उसको सुना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया तो हम आपको ये बताते हैं कि ये है मोटापा, और बे इंतहा मोटापा या बेतहाशा मोटापा. कुछ लोग ओवरवेट होते हैं, कुछ लोग स्लाइटली ओवरवेट होते हैं और कुछ लोग ओबीस होते हैं. ऐसे लोग जिनको देखते ही आप एकदम कहते हैं कि ये एक मोटा शख्स है, इस तरह के लोगों के लिए हम ओबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की कंडीशन के लिए हम ओबीसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. आजकल के माशरे में ख़ास तौर पे जो मुल्क जो हैं ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जहाँ ज़िंदगी ज़्यादा मैकेनिकल भी है और ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी है, वहाँ पर दो तरह के मसले बॉडी वेट के हवाले से खासे पाए जाते हैं, खासे प्रेवलेंट हैं. एक तरफ तो बहुत ज़्यादा वेट यानी ओबीसिटी, और दूसरी तरफ too much of thinness. अगर आपने recently सुना हो TV पर या आपने कभी internet से ये चीज़ पढ़ी हो, कुछ अर्सा पहले अखबारात में भी ये खबर आई थी. इस वक्त दुनिया में कुछ ममालिक में, सबसे पहले अमरीका में ऐसा हुआ और बरतानिया में, अब दूसरे ममालिक भी इस चीज़ को
अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरवेट मॉडल्स पर उन्होंने पाबंदी लगाई। ऐसे कमर्शियल मॉडल्स जो कि जिनका वेट जो है सिग्निफिकेंटली अंडर द आइडियल वेट है, वजह उसकी वजह ये है कि उनको देखकर दूसरी लड़कियां जो हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। वो उसको क्यों कॉपी करना चाहती हैं और ये सब कुछ उनकी सेहत के लिए क्यों अच्छा नहीं है, ये हमारे आज के मौजू का हिस्सा है और जिसके बारे में हम अभी अगले चंद मिनट के बाद बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने बात का आगाज किया था, शुरू में हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या चीज़ है और ओबेसिटी से रिलेटेड वेट मैनेजमेंट के कंसर्न्स क्या हैं। ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट विद अ ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन मेजर किलर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एनहांसमेंट, पीपल इन जनरल आर बिकमिंग मोर वेट कॉन्शियस। जैसा कि हमने अपने डिजीजेज और हेल्थ कंडीशंस के लेक्चर्स में कहा है और आपने नोटिस किया होगा, तकरीबन तमाम की तमाम हेल्थ कंडीशन इस तरह की हैं कि उनको अव्वल तो हेल्दी लाइफस्टाइल्स के ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, और अगर किसी को वो हेल्थ कंडीशंस हों या वो उनको उस बीमारी का सामना करना पड़े तो अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से, हेल्दी हैबिट्स की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, वाइज ईटिंग और गुड न्यूट्रिशन की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और उनसे छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। यही हालत ओबेसिटी के बारे में भी है। दुनिया भर में इस वक्त लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स देखते हैं, बहुत से इश्तहार देखते हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स के होते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी सेहत को पहले से बहुत अच्छा बना सकते हैं, वाइटैलिटी में इजाफा कर सकते हैं, अपने स्टेमिना को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर टीवी प्रोग्राम्स जो हैं अक्सर इस तरह के दिखाए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हेल्थ के बारे में और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ के लिए बहुत सा मटेरियल अब अवेलेबल है, और ये मटेरियल सिर्फ इसी वजह से अवेलेबल है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं अब इन इश्यूज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स इन टर्न हाउ कैन दे इम्प्रूव लॉन्गेविटी। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोग जब आपको एक्सरसाइज करते हुए और अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हुए दिखाई देते हैं तो उसका मकसद यही होता है टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज लॉन्गेविटी, बेटर लॉन्गेविटी। तो अब क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देखते हैं कि उनकी तादाद बढ़ रही है जो कि एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग घर में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग किसी पार्क में जाकर, और बहुत से लोग हैं जो किसी जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह से खाने पीने के बारे में भी अब हम देखते हैं कि लोग खासी एहतियात करने लग गए हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि हमें सॉल्ट का इंटेक जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, अननेसेसरीली हमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोश्त हमें फैट हटा के इस्तेमाल करना चाहिए, खाने में हमें ज़्यादा फैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ ये कंसर्न बढ़ रहा है, दूसरी जानब हम देखते हैं कि दुनिया में ओबीस लोग या ओवरवेट लोग जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। आप अगर अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में भी देखें, अपने स्कूल या कॉलेज में देखें, अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों में देखें तो आपको नॉर्मल आइडियल एवरेज बॉडी वेट वाले लोग कम दिखाई देंगे। या तो आपको बहुत मोटे लोग, बहुत तंदुरुस्त और तवाना लोग दिखाई देंगे, और या बहुत ज़्यादा दुबले पतले, नहीफ और अंडरवेट लोग। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए बच्चों की छुट्टी के टाइम पर और आपको दिखाई देगा कि या तो बच्चे बहुत मोटे गोल मटोल दिखाई देंगे आपको, और या बहुत दुबले पतले। इसका मतलब है कि दो तरह की एक्सट्रीम्स जो हैं हमें दिखाई दे सकती हैं वेट के हवाले से। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा कंसर्न की बात है, ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है, वो है ओवरवेट और ओबेसिटी। और ओबेसिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ जेंडर इशू इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। पहली बात तो ये, इट अफेक्ट्स बोथ द जेंडर्स, एनी मैन और एनी वुमन कैन बी ओबीस। एट द सेम टाइम एन इवन सीरियस मैटर इज दैट फीमेल्स इफ दे आर ओबीस दे आर
not given a support that an obese man gets from the society. So it is something unimaginable that a woman should be obese. But if a man is obese or overweight, it is not a matter of concern. So agar koi bahut mota shakhs hoga, mard ho jo ke bahut zyada overweight hai aur ek huge body ka malik hai, log uske bare mein zyada fikrmand nahi hote, usko is cheez ko itna bura nahi samajhte. Lekin uske muqable mein agar ek ladki ya ek aurat unko overweight dikhai de, तो वो आमतौर पर उसको बख्शते नहीं हैं और उसके बारे में हर वक्त कोई ना कोई तस्करा करते रहते हैं. मगर आमतौर पर महज़ब माशरों में इस तरह से नहीं होता और लोग किसी के अंडरवेट होने का या ओवरवेट होने का तमस्कर नहीं उड़ाते. ये एक अलहदा इशू है, ये एक एथिकल इशू है. इस वक्त हम एक हेल्थ इशू की बात करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इंडल्जिंग इन टू रेगुलर एक्सरसाइज एंड ऑप्टिंग फॉर हर्बल मेडिसिनल रेमेडीज is on a constant increase. At the same time, due to growing affluence and easy availability of fat or junk food, the number of obese and overweight people is also increasing. Therefore, as the number of weight conscious people is increasing, the incidence of obesity is also rising. Overweight ya obesity, iske do teen bade bade reasons hai. एक तो ये कि तमाम माशरों में, और अगर हम अपने माशरे में भी देखें, जनरली ऑपुलेंस और अफ्लुएंस में इजाफा हुआ है. लोगों के पास उससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं जितने पैसे उनके माँ बाप के पास थे, और उनके माँ बाप के पास उससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं जितने उनके दादा या दादी और नाना या नानी के पास थे. सो ओवर एटलीस्ट द लास्ट टू जनरेशन्स, द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट पीपल हैव हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं और यही वजह है कि वो घर से बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं. अगर एक जनरेशन पहले देखा जाए तो लोग घर से बाहर खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बल्कि खासी सूरतों में तो उसको एक नापसंदीदा चीज़ समझा जाता था. मगर अब घर से बाहर खाना, और ख़ास तौर पर जंक फूड या फैट फूड जैसे बर्गर्स हैं और इस तरह की फ्राइड चीज़ें हैं और पिज्ज़ास हैं, ऑल ऑफ देम आर हाई, वेरी हाई इन कैलोरीज एंड वेरी हाई इन फैट कॉन्टेंट. तो एक रीज़न तो ये है कि फैट फूड या जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, ख़ास तौर पर बच्चों में. एक वजह तो ये है वेट बढ़ने की, और यहाँ पे आपको गो के मौजूद जो है न्यूट्रिशन नहीं है, ओबेसिटी है. एक छोटी सी चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, आउट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट चिल्ड्रन लव टू ईट, द मोस्ट हार्मफुल प्रॉब्ली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलोरीज एंड फैट कंटेंट इज The French fries. French fry बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी स्पंज को ऑयल में डाल दें और वो ऑयल को सोक कर लेगा. तो जब आलू को काट कर इस्तेमाल किया जाता है और ऑयल में डाल के उसको खूब गहरे ऑयल में फ्राई किया जाता है, तो उससे ज़्यादा मोटा करने वाली चीज़ शायद ही कोई और हो. और बच्चे बहुत ज़्यादा मकदार में उनको इस्तेमाल करते हैं, और जबकि वालदैन को एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने किस तरह की चीज़ खाई है जो उनके लिए अगले सालों में बहुत ज़्यादा मोटापे का बायस बन जाएगी. ओबेसिटी जो है वो सिर्फ उसका ताल्लुक नज़र से नहीं है कि आपने किसी शख्स को देखा और आपने उसको मोटा पाया. ओबेसिटी के लिए बाकायदा डेफिनेशन और उसके ऑपरेशनल डेफिनेशंस और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देख सकते हैं. ओबेसिटी रिफर्स टू टू मच of excess body weight when the weight is due to excessive fat. Body mein agar normal se zyada weight ho aur us overweight mein extra ya excess weight mein zyada amount insaan ke jism mein fat ki ho yani charbi ki, to usko hum obesity kehte hain. In normal body weight, in case of women, fat should constitute around 20% to 27% of body tissue. In men, fat should constitute somewhere between 15% to 22% of body tissue. So, mardon aur khawateen mein agar hum dekhe to unki body mein fat ka jo ratio hai aur jo content hai aur jo permissible ek range hai fat ki, wo different hai. जहाँ पर मर्दों की अपर लिमिट्स एंड होती है, वहाँ पर फीमेल्स की लोअर लिमिट स्टार्ट होती है. तो
ये सारी लिमिट्स जो हैं रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा बड़े सैंपल्स पर स्टडी करने के बाद हासिल की हैं. नाउ इफ समबडी हैज़ द कंटेंट ऑफ फैट आउट ऑफ दिस रेंज, दैट इज आउट ऑफ द अपर लिमिट, एक्सेसिव फैट मोर देन द सेट 20% और 27%, देन दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड ओबीस. लेकिन हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई शख्स ओबीस है या कुछ शख्स हेल्दी है और ओवरवेट है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग खासे आपको चौड़े चकले दिखाई दें लेकिन वो हेल्दी हो और डॉक्टर कहे कि नहीं ये मोटे नहीं है, इनको ओबीस नहीं कहना चाहिए. व्हाई? बिकॉज द फैट कंटेंट इन देयर बॉडी इज वेरी लिटिल. और याद रखने की ये बात है कि सिर्फ वेट वेइंग मशीन पे वेट कर लेने से आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपका वेट हेल्दी है या अनहेल्दी है. Because the main thing is the content of fat and the ratio between muscle and fat in a person's body. अगर कोई शख्स sprinter है या tennis player है या कुछ इस तरह की और कोई या marathon runner है और वो दिन में 8-10-15 mile भागता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गज़ा भी इस्तेमाल करता है, उसका कद 6'5" है, तो उसका वज़न हो सकता है और वो देखने में आपको ज़्यादा चौड़ा भी दिखाई दे लेकिन उसकी बॉडी में आपको फैट का नामो निशान दिखाई नहीं देगा. जबकि कोई और शख्स उसके आधे वजन का होगा लेकिन वो आपको बहुत मोटा दिखाई देगा क्योंकि उसका वेट कम है लेकिन उसकी बॉडी पे फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है. सो सिर्फ वेट इंडिकेटर नहीं है, ज़्यादा वेट के साथ भी इंसान हेल्दी हो सकता है और कम वेट के साथ भी अनहेल्दी फैट की एक्यूमुलेशन एक इंसान की बॉडी में हो सकती है. तो अभी तक हमने ये देखा कि एक सर्टन लिमिट है, सर्टन रेंज है जिसके दरमियान इंसान की बॉडी में फैट होना चाहिए और ये रेंज मर्दों और औरतों के लिए मुख्तलिफ है. अगर इस रेंज की अपर लिमिट से ज़्यादा किसी की बॉडी में फैट होगा तो उसको हम मोटा कहेंगे या ओबीस कहेंगे. यहाँ पर एक सवाल हमारे जहन में आना चाहिए और वो ये है कि आखिर हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि किसी शख्स की बॉडी में फैट ज़्यादा है या नहीं है. इसके लिए भी साइंटिस्ट ने बहुत से तरीके दरियाफ्त कर रखे हैं और उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है बहुत इफेक्टिव तरीके के साथ. आइडियल वेट रेंजेस आर अवेलेबल फॉर मेन एंड वुमेन, ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल बॉडी फ्रेम्स. बॉडी वेट 20% मोर देन द आइडियल वेट इज कंसिडर्ड ओवरवेट. मुख्तलिफ हेल्थ साइंटिस्ट ने और न्यूट्रिशनिस्ट ने और बाकी इस तरह के प्रोफेशनल्स ने आइडियल वेट रेंजेस डिटरमिन कर रखी हैं और ये रेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत बड़े सर्वेज के बाद उन्होंने हासिल की. और उसको जब आप देखें तो मर्दों के लिए अलग आइडियल वेट की रेंज है और औरतों के लिए अलग है. और इसके साथ साथ हर रेंज में ये बताया गया है कि अगर आपकी बॉडी का स्मॉल फ्रेम है तो आपके लिए आइडियल वेट ये है, इस हाइट के साथ आपका ये आइडियल वेट होना चाहिए. अगर आपका मीडियम बॉडी फ्रेम है तो आपकी हाइट जो है मसलन 5 फुट है तो मीडियम फ्रेम के साथ आपका वेट ये आइडियल वेट है. और सिमिलरली हमारे पास ब्रॉड फ्रेम की भी रेंजेस हैं जिसका मतलब है कि अगर आप कोई आइडियल वेट की टेबल देखें तो आपको उसकी एक साइड के ऊपर उसके लेफ्ट हैंड के कॉलम में ऊपर से नीचे आपको उसमें मुख्तलिफ हाइट रेंजेस दिखाई देंगी. दे कैन बी इन इंचज और दे कैन बी इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स टू. और अगर आप उसकी टॉप रो में देखेंगे तो आपको तीन कैटेगरीज दिखाई देंगी, सबसे पहले स्मॉल फ्रेम, मिडिल फ्रेम और फिर ब्रॉड फ्रेम. और फिर ये बताया गया होगा कि ये मर्दों के लिए है या फीमेल्स के लिए. अगर किसी शख्स का बॉडी वेट अपने आइडियल बॉडी वेट से 20% से ज़्यादा है या 20% ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे कि वो ओवरवेट है. लेकिन कुछ लोगों का वेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है. इफ़ द वेट इज मोर देन इवन 20% एक्सेस वेट, द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ओबीस. चुनांचे अगर एक शख्स का वेट जो है 20% है एक्सेस में तो ओवरवेट है. और अगर किसी शख्स का एक्सेस वेट का भी आगे से मज़ीद उसमें इजाफा है 20% बढ़ के है तो उसको हम ओबीस कहेंगे या बहुत मोटा या मोटापे के मर्ज का शिकार. लेकिन हेल्थ साइंटिस्ट ने इससे भी एक बेहतर अब फर्दर रिसर्च के साथ जो है बेहतर फार्मूला, एक बेहतर तरीका इसके लिए दरियाफ्त किया हुआ है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है. And that is the body mass index or BMI. The best and considered to be most reliable measure of obesity is body mass index or BMI.
BMI is calculated by dividing a person's weight in kilograms by the person's height in meters. The sum is then squared. چنانچہ اگر ہم کسی شخص کی ہائٹ اور ویٹ کو لے لیں ان کو تقسیم کرنے کے بعد پھر اسکوائر کر دیں تو ہمارے پاس بی ایم آئی ایک ریشو آ جائے گا یا اس شخص کا باڈی ماس انڈیکس آ جائے گا. دا بی ایم آئی آف اے پرسن ٹیلز اف ہی اور شی از آف نارمل باڈی ویٹ، اوور ویٹ اور اوبیس. بی ایم آئی آف 19 to 24 از کنسیڈرڈ آئیڈیل. BMI of 25 to 29 is considered moderately overweight and BMI more than 30 means obese. تو اگر آپ کا بی ایم آئی 19 اور 24 کے درمیان میں ہے تو آپ آئیڈیل ویٹ کے مالک ہیں، آپ خوش رہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بڑا اچھا محسوس کر سکتے ہیں اور جو دل چاہے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہوں جس سے آپ کے وزن میں اضافہ نہ ہو. لیکن اگر کسی کا بی ایم آئی جو ہے 30 یا 30 سے زیادہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے کیونکہ یہ اوبیسٹی کی رینج ہے. پیپل ود اے بی ایم آئی بٹوین 25 اینڈ 29 آر 15% ٹو 30% ابو آئیڈیل ویٹ. دوز ود اے بی ایم آئی مور دین 30 ہیو اباؤٹ 40% ایکسس باڈی ویٹ. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، اکثر جو ہے لوگوں کا ویٹ جو ہے وہ آئیڈیل ویٹ کے چارٹس دیکھ کر ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو انشورنس کمپنیز ہیں جو لوگوں کی انشورنس کرتی ہیں، انشورنس کرتے ہوئے ان کی ہائٹ اور ویٹ کے ریلیشن شپ کو اور ان کے آئیڈیل ویٹ کے ریفرنس سے ان کے وزن کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں کسی شخص کی صحت کے بارے میں مستقبل کے لیے. یعنی یہ کہ یہ شخص اگر اس باڈی ویٹ کا مالک ہے تو یہ ایک ہیلدی شخص ہے، اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے بہت سے برس جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں کمپنی کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا اس شخص کے کسی بڑی بیماری کے شکار ہونے کی صورت میں. لیکن اگر کوئی شخص ایکسیسولی اوور ویٹ ہے تو کمپنی جو ہے اس کے لیے کنسرن کی بات ہوگی. تو اکثر انشورنس کمپنیز نے بہت اچھے ویٹ چارٹس بنا رکھے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سرٹن ہائٹ ہے، اس کا سرٹن ویٹ ہے، یہ اس کا باڈی فریم ہے، تو وہ کیا اوور ویٹ ہے یا آئیڈیل ویٹ کا مالک ہے یا سلائٹلی اوور ویٹ ہے. ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ کچھ دکھائیں گے ویٹس کے بارے میں کہ اگر آپ کی یہ ہائٹ مثلا لڑکیوں کے لیے اگر 5 feet 2 inches ہے یا ان کی ہائٹ 5 feet 5 inches ہے تو ان کا آئیڈیل ویٹ کیا ہونا چاہیے، اور لڑکوں کے لیے اگر ان کی ہائٹ مثلا 6 feet ہے تو ان کی ویٹ کی کیا رینج اچھی ہوگی. اگر آپ تفصیل سے یہ چارٹس دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اویلیبل ہیں اور انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں خاصی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. فار اے مین 5 feet 2 inches ود اے اسمال فریم 128 to 134 pounds از دا نارمل ایوریج ویٹ. اف دا پرسن ہیز اے میڈیم فریم 131 to 141 از دا آئیڈیل ویٹ. اینڈ ود اے مین with a broad frame 138 to 150 pounds. In case of a man who is 6 feet tall, small frame, ideal weight is 149 to 160 pounds, medium frame 157 to 170 pounds, broad frame 164 to 188 pounds. Yahan pe humne zikr kiya اسمال فریم، میڈیم فریم، براڈ فریم. فریم سے مراد ہے کہ آپ کی باڈی میں جو بونس کا اسٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہے. کچھ لوگوں کی بونس، اور اس کا اندازہ آپ کو خاص طور پر لوگوں کے شولڈرس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے، لوگوں کی کلائی کو دیکھ کے ہو سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں کے سائز کو دیکھ کر. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسمال فریم کے مالک ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بہت دبلے پتلے دکھائی دیتے ہیں. اکثر لوگ میڈیم فریم کے مالک ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ براڈ فریم، یعنی بہت چوڑے دکھائی دینے والے لوگ جو ہیں وہ براڈ فریم کے مالک ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ویٹ رینجز فرق ہیں، بیکاز دا اسکیلیٹل مسل اسکیلیٹن دیٹ دے ہیو، دا بونز دیٹ دے ہیو، دے آلسو وے الاٹ. تو جو ایک بیسک بون اسٹرکچر جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہونا ہی ہے، اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ مسلس کی وجہ سے اور فیٹ کی وجہ سے.
इसलिए हम अलाउंस देते हैं कि किसी शख्स का जो बॉडी फ्रेम होगा उसी के मुताबिक उसका वेट जो है कम ज़्यादा हो सकता है। फीमेल्स के लिए ज़रा थोड़े वेट की रेंज है। फॉर अ फीमेल 5.2 inches टॉल, स्मॉल फ्रेम 108 to 121 pounds, मीडियम फ्रेम 118 to 132 pounds, ब्रॉड फ्रेम 128 to 143 pounds। फॉर अ वुमन 5.5 inches टॉल, स्मॉल फ्रेम 117 to 130 pounds, मीडियम फ्रेम 127 to 141 pounds एंड ब्रॉड फ्रेम 137 to 155 pounds। सो ये कुछ वेट रेंजेस हैं। अगर इससे कोई शख्स बहुत बाहर जाएगा तो उसको हम ओवरवेट कहेंगे, और बहुत से भी ज़्यादा बाहर जाएगा तो वो ओबेसिटी बन जाएगी। ओबेसिटी इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थ अथॉरिटीज बिकॉज मैनी सीरियस एलमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल CHD, कैंसर और डायबिटीज आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। इन आर कल्चर द नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इज ऑल्सो ऑन द इंक्रीज। Obesity is a significant health issue in the US. In the US, 65% of adults are overweight and 23% are obese. 15% of the total school age population is obese. According to the 1995 reports, obesity increased by 1/3 over the last 20 years in the US. A similar trend has been seen in other countries, including Britain and Canada. तो जैसे हम अभी कह रहे थे, ओबेसिटी एक हेल्थ इशू भी है लेकिन एक साइकोलॉजिकल इशू भी है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार, उनके लिए भी बहुत से नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। कुछ मसाइल इस बिना पर कि उनसे अपना आप कंट्रोल नहीं हुआ, उनसे अपना वेट मैनेज नहीं हुआ, और उससे भी ज़्यादा मसाइल लोगों के एटीट्यूड की वजह से, लोगों के रवैये की वजह से, और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में, क्योंकि हम एज अ कल्चर ही आदत है कि हम किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो हमारे लोगों को आदत है कि अगर कोई शख्स ओबेस है या ओवरवेट है तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कमेंट जो है वो पास कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग हाउ द अदर पर्सन फील्स। सो जो भी हो, चाहे लोगों की वजह से हो या अपनी वजह से हो, द वेरी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओबेसिटी इज पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट and affected self-esteem. At the same time, an obese person may feel helplessness because the person of course tries, most of them try to lose weight, but it is very difficult for them to lose weight because losing weight involves two things at least. One, eating less, and two, exercising more. But since because of their obesity, the obese people are already lethargic and fatigued, they find it very hard to do regular exercise and strenuous exercise. So they need a very strong willpower for losing weight. Plus there are psychological as well as physiological consequences. Physiological consequences mein mukhtalif tarah ki ailments ho sakti hain, diseases ho sakti hain. Jism mein bahut zyada thakavat ki wajah se koi bhi sport karna un logon ke liye mushkil ho sakta hai. Aur bahut se to aise hain kyunki wo bahut zyada ओवर ईटिंग में भी इंडल्ज करते हैं, तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उनके लिए ईटिंग भी प्रॉब्लम बन जाती है और खाना हजम करना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो ओबेसिटी के जेंडर इशू होने की वजह है, जो वजह है वो ये है, लोगों का एटीट्यूड स्पेशली टुवर्ड्स ओवरवेट वुमेन, तो उनको जो है दूसरे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म या तनकीद या मजाक या रिजेक्शन जो है वो एक बड़ा इशू है। वुमेन आर आइडियली एंड ट्रेडिशनली सपोज टू बी ट्रिम, स्लिम एंड स्मार्ट। इट इज सीन दैट द रिस्क ऑफ मेनी एलिमेंट्स इज हायर इन ओवरवेट वुमेन। ओबेसिटी के इलाज के लिए लिफ्ट ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओबेस शख्स को इस बात पर आमादा किया जाए, माइल किया जाए कि वो कम खाए, ज़्यादा एक्सरसाइज करे। कम खाने के लिए अल्टरनेटिव देना ज़रूरी है, बेहतर डाइट, लो कैलोरी डाइट जो है, और थोड़ा सा बेहतर टेस्ट रखने वाली डाइट उनको इस्तेमाल करने के लिए दी जाए तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सरसाइज के लिए छोटे टारगेट्स के लिए के साथ स्टार्ट किया जाता है और ग्रेजुअली उनको बढ़ा दिया जाता है।
कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो काफी सक्सेसफुल देखी गई है, खासतौर पर इन कॉम्बिनेशन विद बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोचेस. कॉग्निटिव थेरेपी के जरिए जो है ओबीस शख्स उसकी सोच में तब्दीली लाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ये जानना शुरू कर देता है और समझना शुरू कर देता है कि सिर्फ खाना ही जिंदगी में खुशी का बायस नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ज्यादा खुशी ला सकती हैं. थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस इंक्लूड वाइज ईटिंग एंड कर्टेल्ड ईटिंग और डाइटिंग, स्ट्रेनुअस एंड रेगुलर एक्सरसाइज, कॉग्निटिव थेरेपी फॉर चेंजिंग परसेप्शंस अबाउट ईटिंग एंड अबाउट one's ability to reduce weight and behavior modification, for example, contingency contracting. अक्सर obese लोगों के लिए खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ behavior modification खासी successful रहती है और जिसमें contingency contracting या किसी तरह की token economy इस्तेमाल की जाए, यानी weight कम करने के नतीजे में उनको किसी तरह का कोई इनाम मिलने की उम्मीद हो parents की तरफ से या therapist की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, तो वो ज़्यादा पॉजिटिवली रिवॉर्डेड महसूस करते हैं और जल्द वेट लूज करना शुरू कर देते हैं. ये तो थी बातें ओवरवेट के बारे में, एक्सेस बॉडी वेट के बारे में या ओबिसिटी के बारे में. दूसरी जानेब एक और एक्सट्रीम है, ऐसे लोग हैं जो कि वेट लूज करना चाहते हैं, वेट लूज कर रहे होते हैं, अच्छे खासे अंडर वेट होते हैं, इसके बावजूद उन्हें यकीन नहीं आता दैट दे आर थिन इनफ. So they want to lose weight all the time, infinitely. And these are the people who are suffering from eating disorders. Hamara aaj ka dusra mauzu jo hai, wo hai eating disorders. Jaisa ki naam se zahir hai, aise disorders jisme khana peena jo hai, wo ek galat tarike se kiya jaye. Ya khana nahi khaya ja raha, ya zyada khaya ja raha hai, aur uske baad usko zaya kar diya jata hai. While the number of overweight and obese people is on the increase, a number of people are adopting highly harmful ways of losing weight as well. This segment of the population who is almost obsessed with the idea of losing weight primarily consists of females. Most women who want to lose weight try and adopt varieties of diet plans. Others develop eating disorders. Anorexia nervosa and bulimia nervosa. Eating disorders ki bunyadi taur par do categories hain aur go ke ye baat thodi der baad kehni chahiye, lekin main abhi kehti hu hamare maushre mein iski examples aapko khasi kam dikhai deti hai. Yakeenan hamare haan bhi sufferers hain anorexia ke aur bulimia ke, lekin usse kahin kam tadad mein ki jisme aapko America mein ya Europe ke kisi mulk mein dikhai denge. ईटिंग डिसऑर्डर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रफ्ता रफ्ता डेवलप होती है, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती है. इर्द गिर्द के लोगों को, माँ बाप को, दोस्तों को एहसास नहीं होता कि उनका बच्चा इसका शिकार हो चुका है. इब्तदा में बहुत अरसे तक ये चीज़ जो है सीक्रेट और खुफिया रहती है, और ये ज़ाहिर उस वक्त होती है जब इसके खासे गहरे असरात हो चुके होते हैं, खासा गहरा नुकसान बच्चे को या इसके शिकार को या सफरर को या विक्टिम या पेशेंट कह लीजिए, उसको इसका असर हो चुका होता है. पेशेंट हम यूजुअली इसको ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट नहीं कहना पसंद करते, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो उस तरह का मर्ज नहीं है जिस तरह के अमराज के बारे में हम बात अभी तक करते आए हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या चीज़ है. आई एम श्योर यू हैव बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एनोरेक्सिया or anorexia nervosa before. Maybe you read about it in abnormal psychology or maybe in health psychology. But today we are talking about these two as a gender issue, because these two conditions are the conditions which are not found uniformly and equally in all the population, in the whole population. These are the conditions which are found and found commonly in the female segment of the population. इसीलिए हम इनके बारे में आज बात कर रहे हैं. Anorexia nervosa is marked by a drastically curtailed food intake with an intention to lose weight. The anorexic, on average, tries to maintain body weight 15% below what actually should have been that person's weight. They tend to have a BMI of 17.5. जैसा कि आपने देखा
और ये लोग हम इनको कह रहे हैं, दरअसल ये लड़कियां मोस्टली फीमेल्स सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. बहुत कम, बहुत ही कम तादाद में ऐसे केसेस हमने रिपोर्टेड केसेस देखे हैं जहां पे मर्द इसका शिकार थे. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोजा को किस तरह से शनाख्त किया जा सकता है. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन हैज गिवन द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोजा. वन, रिफ्यूजल टू मेंटेन बॉडी वेट एट और अबव अ मिनिमली नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट. टू, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट इवन दो अंडरवेट. 3. Disturbance in the way in which one's body weight or shape is experienced, under influence of body weight or shape on self-evaluation or denial of the seriousness of the current low body weight. 4. Amenorrhea. The incidence of anorexia worldwide is not exactly known. In the US, about 0.5% of all women have this problem. In case of women attending professional schools for modeling and dance, 6 to 7% can be classified as having anorexia nervosa. So, jaisa ki aapne dekha, bunyadi cheez ye hai ki anorexic shakhs jo hai, ya yun keh lijiye ki ladki ya female, wo already underweight hai, kyunki wo bahut arse se apna weight kam kar rahi hai, phir bhi uski khwahish hai ki mazid wazan kam ho, jiske liye wo khana peena bahut kam kar rahi thi. और इस हद तक ये कोशिश जारी रहती है कि एनोरेक्सिक पेशेंट को एक स्टेज पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाता है और ड्रिप्स के लिए और ग्लूकोज की ड्रिप्स और वाइटामिन्स की ड्रिप्स हैं उनके ज़रिए उसके जो कंडीशन है उसको स्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाते हैं और मैल नरिशमेंट की वजह से कि वो फेंट होकर चकरा कर बेहोश होकर गिर जाती हैं और शदीद किस्म की नकाहत और वीकनेस का उनको जो है एक्सपीरियंस होता है. हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि आजकल बहुत सी लड़कियाँ जो हैं अपना वेट कम करने के बारे में ओवर कंसर्न है. कंसर्न की हद तक तो ठीक है, लेकिन ओवर कंसर्न स्पेशली व्हेन समबॉडी इज ऑलरेडी अंडर वेट, जिसका मतलब है कि उस शख्स की परसेप्शंस के साथ और सेल्फ परसेप्शंस के साथ कुछ प्रॉब्लम है. उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि अब मेरा वेट एक ऐसे पॉइंट पर है कि इसको मज़ीद कम नहीं होना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और सिचुएशन है. एनोरेक्सिया में तो खाना पीना बंद कर दिया जाता है और जैसे कि हमने पहले कहा था, पेरेंट्स को बहुत अच्छे तक एहसास नहीं होता कि उनका बच्चा बच्ची खाना नहीं खा रही, क्योंकि लड़कियां आमतौर पे अपना खाना छुपा लेती हैं या ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने ऑलरेडी खाना खा लिया था या ये कह देती हैं कि हमने स्कूल या कॉलेज में कुछ खा लिया था. दूसरी एक्सट्रीम या दूसरी सिचुएशन ये है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी फीमेल की जिसको खाना पीना बहुत पसंद है और जो बहुत ज़्यादा खाती है. बुलिमिया नर्वोजा ऐसे ही लोगों की एक अलामत है या कंडीशन है. एनोरेक्सिया के बरअक्स बुलिमिया में पेशेंट या सफर जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में और बहुत तेज़ी के साथ खाता है, लेकिन उसको ये कोशिश करता है कि इसको किसी न किसी तरह से ज़ाया कर दिया जाए. यानी मुझे खाना खाने का मज़ा आ जाए लेकिन मेरी बॉडी में उसकी वजह से वेट में इजाफा ना हो. दिस प्रॉब्लम इज एन ऑपोजिट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोजा इन टर्म्स ऑफ द ईटिंग पैटर्न. द बुलिमिक बिंज ईट्स बट देन पर्जेस. द मेन इंटेंशन इज द सेम, नॉट लेटिंग बॉडी वेट इंक्रीज. बुलिमिक शख्स, बुलिमिक खातून, औरत, लड़की बहुत ज्यादा मकदार में खाती है, बहुत तेजी से खाती है, उसके बाद पर्ज, आपने लफ्ज पढ़ा, पर्ज कर देती है. पर्ज से मुराद है कि वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, इस तरह की दवाइयाँ खाते हैं या अपने गले में उंगली डाल के कोशिश ही होती है कि वॉमिट कर दे. बहुत सा खा लिया, अपनी पसंद की चीज़ें खा लिया, उसके बाद उसको वॉमिट कर दिया जाए. और कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं कि जो लैक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे पेट खराब हो जाए और बॉडी में वो चीज़ ठहरे ही नहीं. बुलिमिक्स के भी अलामत खास हैं और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इसको भी बहुत अच्छी तरह से अपने मैनुअल्स में तफसील से बयान किया है. American Psychiatric Association has given the following criteria for diagnosing bulimia nervosa. 1. Recurrent episodes of binge eating, namely eating in a discrete period of time, for example, within any 2-hour period, and amount of food that is definitely larger than most people would eat during a similar period of time and under similar circumstances,
and feeling that one cannot stop eating or control what or how much one is eating. پہلی بات تو یہ کہ ایک خاص وقفے میں ایک خاص دورانیے میں بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا لینا اور صرف کھانا نہیں ہے اس میں پھل شامل ہو سکتے ہیں اکثر اوقات آئس کریمز اور کیکس اور کنفیکشنریز میں شامل ہوتی ہے اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بہت سے مشہور لوگ بہت سے اسٹارز بھی بلیما کا شکار رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ون آف دا نون کیسز آف بلیما نووزا واز پرنسس ڈائانا کہا جاتا ہے کہ وہ بلیمک تھی اینڈ اٹس اے نون فیکٹ دیٹ شی واز اے بلیمک پرسن ان کے بہت سے کلوز لوگوں نے اس بات کی ایویڈنس دی ہے کہ وہ ایک دور ان کے اوپر اس طرح کا آیا تھا کہ جب وہ بنج ایٹنگ اور پرجنگ کا شکار ہو گئی تھیں ٹو ریکرنٹ ان اپروپریٹ کمپنسیٹری بیہیویئر ان آرڈر ٹو پریوینٹ ویٹ گین سچ ایز سیلف انڈیوس وامٹنگ مس یوز آف لیکسیٹیوس ڈائیوریٹکس اینیماز اور ادر میڈیکیشنز فاسٹنگ اور ایکسیسو ایکسرسائز تھری The binge eating and inappropriate compensatory behaviors both occur on average at least twice a week for 3 months. Self-evaluation is unduly influenced by body shape and weight. So, bulimia ki surat mein, agar kam az kam 3 mahine tak ye silsila jari rahe aur hafte mein kam az kam 2 baar hum jo ladki jo hai ya sufferer jo hai wo ye behavior show kare to hum keh sakte hain ki usko بلیمیا نروزا کی بیماری ہے یا وہ اس کا شکار ہے اگر یہ چیز ایک دفعہ ہو یا دو دفعہ ہو تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بلیمک جو ہے جب ہر دفعہ جب کھاتا ہے اینڈ دیٹ پرسن لوز ایٹنگ جب ہر دفعہ کھاتا ہے تو اس کا خیال ہے کہ ہر ایک نوالے کے ساتھ باڈی کے ویٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو کچھ میں نے کھایا اس کو فوراً باڈی سے باہر نکال دینا چاہیے اس طرح کے بچوں کے لیے خاص طور پہ کیونکہ یہ چیز ٹین ایجرز میں بہت عام ہے ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہر دفعہ جب ہم ایک لقمہ استعمال کرتے ہیں یا ایک گھونٹ کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ویٹ فوراً بڑھ نہیں جاتا اگر ایسا ہوتا تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور تب سے آج تک ہم نے جو اماؤنٹ خوراک کا استعمال کیا ہے تو شاید ہم ایک پہاڑ کے سائز کے ہوتے سو وچ مینس دیٹ سم پارٹ آف دا فوڈ از کنزیومڈ سم پارٹ از سیوڈ and some part is gotten rid of. In North America, the prevalence rate of bulimia is 1 to 3%. Some surveys suggest that around 10% of women in college show symptoms of bulimia. The exact prevalence of anorexia and bulimia nervosa in Pakistan is not known. اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا اختتام کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا causes ہیں وہ کیا ایتیولوجی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایٹنگ ڈسڈرس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایٹنگ ڈسڈرس کی ایٹیولوجی کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ کیوں ہم اس کو ایک جینڈر ایشو کہہ رہے ہیں یوں تو سائیکالوجسٹ نے اس کی بہت سی ایکسپلینیشنز دی ہیں مثلاً بہت سے بچے جو ہیں اگر ہم فرائیڈین ٹرمز میں دیکھیں تو اگر ہم ایک بیولیمک شخص کا مطالعہ کر رہے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی کمی اپنی زندگی میں محسوس ہو رہی تھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے Anorexic کی صورت میں a faulty self-perception can be a cause. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجر جو ایک بچہ ہے اس کو اپنی زندگی پہ کوئی کنٹرول اس کو لگتا ہے کہ کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر پاتی وہ کیا سبجیکٹس پڑھنا چاہتی ہے اس کا فیصلہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں کس کالج میں اس نے جانا ہے اس کی اجازت نہیں There is only one thing on which she has total control and that is herself. تو وہ جو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کنٹرول آزمانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ پر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ویٹ مینج کرنے کے لیے اور ویٹ ریڈکشن کے لیے اپنی باڈی پر سارے کا سارا پریشر ڈال دیا جاتا ہے لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے اور بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور جس کی وجہ سے ایٹنگ ڈس آرڈرس کو اور اوبیسٹی کو ہم نے جینڈر ایشوز میں شامل کیا اور دنیا بھر میں جینڈر ایشوز کی کوشش میں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہے میڈیا کا رول اینڈ سوسائٹل ایٹیٹیوڈز عورتوں میں اور خاص طور پہ ینگ لڑکیوں میں ویٹ ریڈکشن کے بارے میں جو گروئنگ کنسرن ہے وہ جو ہر وقت فکر مند رہتی ہیں اور ابسیسڈ رہتی ہیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے دنیا بھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے
एडवर्टाइजमेंट्स में अंडरवेट मॉडल्स इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि टीवी पर हम 10-30% तक अपने असल साइज से बड़े दिखाई दे सकते हैं. सो इफ यू सी समबडी ऑन टेलीविजन यू मस्ट रियलाइज दैट एटलीस्ट 10 pounds हैव बीन एडेड टू दैट पर्सन बाय द कैमरा. इस वजह से एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत थिन मॉडल्स ली जाती हैं. उनको देखने वाली और उनसे इम्प्रेस होने वाली लड़कियाँ उन मॉडल्स को मैच करने की कोशिश करती हैं जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल होता है. Because if you want to become like that, you have to eat in very tiny amounts and you have to do rigorous, continuous, strenuous exercise. जो अक्सर लड़कियों के लिए possible नहीं होता. और इन चीज़ों के media के पे दिखाए जाने वाले programs, फिल्मों और ख़ास तौर पर सबसे अहम इश्तहारों की वजह से thinness जो है it has become a norm. कि माशरे में दुबला होना जो है वो एक normal behavior हो गया है कि लोग लड़कियों को बहुत दुबला होना चाहिए. इस चीज के बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. जब हम ये तवक्को करते हैं कि लड़कियां बहुत कम वेट की और बहुत दुबली पतली हों तो हम एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं. वी एक्सपेक्ट देम टू बी थिन, वी एक्सपेक्ट देम टू लूज वेट, नॉट रियलाइजिंग दैट गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट इज अ मस्ट फॉर अ फीमेल. एक लड़की जिसने ज़िंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उस पर रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, कल को उसने माँ बनना है, बच्चों की परवरिश करनी है, घरेलू ज़िंदगी में और बाहर की ज़िंदगी में जिस स्ट्रेस का उसको सामना करना है, उसके लिए उसको एक सेहतमंद और मज़बूत बॉडी और सेहतमंद और मज़बूत दिमाग की ज़रूरत है. अगर वेट कम करने की ख्वाहिश पर लड़कियाँ जो एनीमिक हो जाएंगी या बहुत से न्यूट्रिएंट्स से महरूम हो जाएंगी तो अगले कुछ वर्षों के बाद उनको एहसास होगा कि जब ज़िंदगी के प्रेशर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो उनके लिए उनसे कोप करना मुश्किल हो जाएगा. सो ऑन पार्ट ऑफ मेन इट इज़ क्वाइट अनजस्ट दैट दे मेक एंड दे फोर्स वुमेन टू बी वेरी थिन, इन अदर वर्ड्स वीक. क्योंकि अगर हम देखें आज से मसलन 50 बरस पहले की फिल्में देख लीजिए या 30 बरस पहले की फिल्में देख लीजिए तो जो उसमें स्टार या मेन लीड या हीरोइन होती थी शी वॉज प्लम्पिश. अगर हम आज के मयार के मुताबिक देखें तो हम कहेंगे वो ओबीस हैं, जबकि वो उस वक्त बहुत हसीन खवातीन होती थी और बिल्कुल भी मोटी नहीं लगती थी. लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड बना दिया गया है फीमेल्स के लिए, एक तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट इट एंड टू इट इज़ नॉट राइट, उसको मीट करना बहुत मुश्किल है, दूसरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं. अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में बल्कि वेस्टर्न यूरोप में भी देखें लेकिन ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो आपको बहुत दुबली ख़वातीन दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद ख़वातीन होती हैं. वजह ये कि वो अपनी डाइट के बारे में कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, जिसके लिए अच्छी डाइट ज़रूरी है. जिसका मतलब ये हुआ कि खा ओबेसिटी हो या वेट मैनेजमेंट हो या ईटिंग डिसऑर्डर्स, फर्द की अपनी सोच तो उसमें अहम है ही, लेकिन माशरे के रवैये, दूसरे लोगों के एटीट्यूड्स और मीडिया किस तरह से औरत को पोर्ट्रे कर रहा है, ये चीज़ें बहुत अहम हैं. अगर अननेसेसरी प्रेशर्स लड़कियों पे ना हो वेट कम करने के बारे में तो बहुत सी लड़कियाँ हैं जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार कभी भी नहीं होंगी. अपने आइंदा लेक्चर्स में हम इसी तरह के कुछ और मौजूदात को डिस्कस करेंगे. आइंदा हमने जेंडर और साइकोपैथोलॉजी के बारे में बात करनी है, उसके बाद हम जेंडर और साइकोथेरेपी को भी देखेंगे कि किस तरह से जेंडर जो है मेंटल इलनेस में अपना रोल प्ले करता है और किस तरह से साइकोथेरेपी जो है वो दोनों जेंडर्स के लिए मुख्तलिफ भी हो सकती है और सिमिलर भी. ये सब कुछ आइंदा लेक्चर्स में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.